संन्यास पर बोले पाकिस्तानी दिग्गज शरीर ने साथ दिया तो टी डेट वर्ल्ड कप के बाद भी खेलता रहूंगा। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के दिग्गज क्रिकेटर शोएब मलिक ने अपना फैसला वापस ले लिया है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि वो टी डेट वर्ल्ड कप के बाद भी इस फॉर्मेट से संन्यास नहीं लेंगे। मलिक ने ये बातें लाहौर में पत्रकारों से बातचीत करते हुए कही। इससे पहले उन्होंने कहा था कि वो इस साल ऑस्ट्रेलिया में होने वाले टी डेट वर्ल्ड कप के बाद क्रिकेट के इस फॉर्मेट से संन्यास ले लेंगे। मलिक ने साल 2015 में यूएई में इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट मैच में दोहरा शतक लगाने के बाद टेस्ट क्रिकेट से संन्यास ले लिया था। इसके बाद 2019 वर्ल्ड कप के बाद वनडे क्रिकेट से भी संन्यास ले लिया था। हालांकि वो टी डट प्रारूप में एक्टिव हैं। उन्होंने कहा कि मैंने कहा था कि मैं वनडे वर्ल्ड कप 2019 के बाद वनडे को अलविदा कह दूंगा और मैंने ऐसा ही किया। वहीं मैंने ये भी कहा था कि मैं टी डट वर्ल्ड कप के बाद क्रिकेट से पूरी तरह से रिटायर हो सकता हूँ, लेकिन अब मेरा ये सोचना है कि इसके बारे में मैं सही वक्त आने पर सोचूंगा। शोएब मलिक ने कहा कि एक सीनियर खिलाड़ी होने के नाते मेरी कुछ जिम्मेदारी और लक्ष्य है। मैं खुशकिस्मत हूँ कि मेरा शरीर साथ दे रहा है और जब तक मैं अच्छा महसूस करूँगा देश के लिए खेलता रहूँगा। मैं भी इंसान हूँ और फेल हो सकता हूँ। मेरे दिमाग में भी नकारात्मक विचार आ सकते हैं और जो हुआ उससे मुझे भी गुस्सा आया। वर्ल्ड कप में मेरा प्रदर्शन अच्छा नहीं था, लेकिन टी डट प्रारूप में मैंने हमेशा अच्छा खेला है। उन्होंने कहा कि जब तक मैं फिट हूँ कुछ भी हासिल कर सकता हूँ। मेरा लक्ष्य हमेशा से ही देश के लिए अच्छा खेलना रहा है। मैं वापसी करना चाहता था जिसकी वजह से मैंने कैरेबियन प्रीमियर लीग में नहीं खेला और फैसला बाद में नेशनल टी डट टूर्नामेंट में हिस्सा लिया।